जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में करण जौहर के बारे में तो शायद इनके नाम से कोई व्यक्ति अनजान होगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में करण जौहर ने एक ऐसी पहचान कायम कर ली है जिससे सब बखूबी परिचित हैं। बात करें करण जौहर की डायरेक्ट हुई फिल्म की तो वह एक से बढ़कर एक सुपरहिट हैं और साथ ही जितनी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन फिल्में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात इनके लेकर ये कही जाती है कि ये सिर्फ स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं और उन्हीं लोगों को बढ़ावा देते हैं जिनका पहले से ही बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कोई रिश्ता या नाता होता है। इसी वजह से लेकर सुशांत सिंह राजपूत जी के मामले में अब करण जौहर फंसते हुए दिखाई देते हैं। नेपोटिज्म को लेकर इन पर काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात करें इनके बॉलीवुड करियर के बारे में तो बॉलीवुड में इन्होंने एक से बढ़कर एक बढ़िया फिल्म डायरेक्ट की है और प्रोड्यूस की है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें किस प्रकार से करण जौहर ने हमेशा बॉलीवुड में नए युवाओं को मौका दिया है, जिस वजह से करण जौहर हमेशा की तरह तारीफ पाते हैं। लेकिन इस बार ये तारीफ कहीं ना कहीं कुछ बदनामी का सबक लेकर आई है इनके लिए। करण जौहर युवा एक्टरों पर काफ़ी ध्यान देते हैं जो स्टार किड्स होते हैं और उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। करण जौहर एक फिल्म प्रोड्यूस, डायरेक्ट, होस्ट और पटकथा लेखक हैं, यानी कि कहानी भी लिखते हैं। अगर बात करें अब करण जौहर की संपत्ति के बारे में तो बॉलीवुड के बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर करण जौहर की कुल संपत्ति खबरों के मुताबिक $200 मिलियन से की ज़्यादा है, यानी कि भारत की मुद्रा में बात करें करेंसी में तो 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मालिक हैं करण जौहर। एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए करण जौहर लगभग 3 करोड़ रुपए तक ले लेते हैं। पिछले कुछ सालों में करण जौहर की संपत्ति में करीब 80% इजाफा हुआ है, जो कि इनकी पिछले जो हिट फिल्में गई हैं उसके दम पर। बात करें करण जौहर और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले स्टार की लिस्ट में हमेशा टॉप पर दिखाई देते हैं, यानी कि टॉप की लिस्ट में जगह बनाते हैं। करण जौहर समंदर के पास एक फ्लैट में रहते हैं और मुंबई में इनका एक घर है जिसकी कीमत 32 करोड़ रुपए है। करण जौहर के पास कई महंगी कारें मौजूद हैं जिसमें BMW की भी कई महंगी कारें शामिल हैं। करण जौहर किस प्रकार से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते जा रहे हैं उस बात ने कोई दोहराया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनकी सुपरहिट फिल्मों पर रोक लगा दी जाएगी कुछ समय के लिए, क्योंकि नेपोटिज्म को लेकर सबसे ज़्यादा कोई चपेट में आ रहा है तो वो है करण जौहर। किस प्रकार से इनके एक के बाद एक बड़े खुलासे और बयान सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान किए थे कि किस प्रकार से स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं और स्टार किड्स को ही लॉन्च करने में मदद करते हैं, ना कि किसी आउटसाइडर को। इसको लेकर अब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या होता है आने वाले समय में। और भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की संपत्ति के बारे में जानने के लिए, उनकी इनकम और उनके जहन सहन के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेशनल लाइव। धन्यवाद दोस्तों।